दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ष 2023 भविष्यवाणी करता है कि आने वाले वर्ष इन जातकों के लिए मज़ेदार और तेज़ होगा। इस साल बहुत काम होने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये साल कई मायनों में काफ़ी आशाजनक रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है। इन सब के साथ इन जातकों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आएगी। इस वर्ष आपको शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य परिणाम मिलेंगे। प्रारंभिक अवस्था में आपको अपनी शिक्षा के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है। फरवरी में मंगल पर गोचर अपने पंचम भाव पर प्रभावित करेगा, जिसका अधिकांश प्रभाव परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों पर पड़ सकता है। आपको अपने प्रयासों का फल मिलेगा, इसलिए केवल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें और इधर उधर की बातों में मन ना लगाएं। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो अगस्त से अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा महीना है। कन्या राशि के विवाहित जातकों को इस वर्ष वैवाहिक जीवन में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। साल की शुरुआत आपके लिए थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी मामले में मेल मिलाप करने में असफल रह सकते हैं। ससुराल पक्ष से कुछ मानसिक तनाव की भी संभावना हो सकती है। जनवरी से अप्रैल के बीच ससुराल पक्ष से कुछ अनबन भी हो सकती है। सितंबर से दिसंबर के बीच आपका समय अच्छा रहेगा। जीवन साथी की मदद से आप बड़ा मुनाफा भी कमा सकते हैं। पैसों के मामले में काफ़ी आर्थिक परेशानी देने वाला है 2023 वर्ष। खासकर इस साल आपको अत्यधिक खर्च से बचना होगा। कई खर्चों का बोझ भी आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। यदि आप किसी व्यवसाय में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा अवधि के लिए ठहर जाइए, इससे बचिए ताकि भारी नुकसान होने से आप बच सकें। अगर आपको निवेश करने की ज़रूरत है तो किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। मार्च माह में गुरु आपकी राशि में सप्तम भाव में विराजमान है। आपको अपना अटका हुआ पैसा वापस मिलने की अधिक संभावना है। नौकरी पेशा जातक अपनी मेहनत से इस वर्ष कुछ न कुछ नए स्रोतों से अपनी आय में वृद्धि करने में सक्षम होंगे। व्यापार के मामले में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको आगे बढ़ने का एक नया अवसर मिलेगा। आपकी भाषा शैली और संवाद से व्यवसाय में आपकी प्रगति होगी। इस साल व्यापार की लागत बढ़ने की उम्मीद है। आप जिस भी व्यापार में हैं वो दिन दुगना और रात चौगुनी होने की पूरी संभावना है, इसलिए व्यापार से जुड़े कार्य में फल होने की पूरी संभावना है और मन लगा के काम करिए। 2023 में आपके करियर में कई अहम बदलाव हो सकते हैं, विशेष रूप से मंगल के गोचर के दौरान। नौकरी चाहने वालों और व्यवसायी दोनों लोगों को सफलता के अपार अवसर प्राप्त होंगे। साल की शुरुआत में नौकरी में अनुकूल योग रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो पहले कुछ महीनों को छोड़कर बाकी के महीने आपको इस साल सफलता दिलाएंगे। आपकी राशि पर शनि के विशेष प्रभाव के कारण इस वर्ष आप खुद को कई समस्याओं से घिरे हुए पा सकते हैं। इस वर्ष प्रेम जीवन में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना अधिक है। साल की शुरुआत में आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जनवरी का महीना आपके प्रेम जीवन के प्रति थोड़ा प्रतिकूल रहने की संभावना दिख रही है। किसी बात को लेकर आपके प्रियजन के साथ बड़ा विवाद होने की संभावना है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। इस साल आपको स्वास्थ्य संबंधी खराब परिणाम मिलेंगे। जनवरी, अप्रैल, जून और सितंबर के महीनों के दौरान आपको कुछ छोटी मोटी बीमारियों से अतिरिक्त सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आपका मानसिक तनाव बढ़ने की संभावना है। राहु ग्रह के प्रभाव से 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मधुमेह, मूत्र संक्रमण यानी यूरिन इन्फेक्शन और कुछ नर्वस सिस्टम संबंधी बीमारियों जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुध का गोचर आपकी राशि के अनुकूल भाव में होगा। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस दौरान आप उस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए ओवरऑल वर्ष 2023 कुछ मायनों में थोड़ा खराब है। जैसे कि आपको शारीरिक समस्या हो सकती है जिसका आपको ध्यान रखना है। आपके परिवार में थोड़ा विवाद हो सकता है, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी करियर से संबंधित, तरक्की से संबंधित, धन से संबंधित कन्या राशि के लिए 2023 वर्ष बहुत ही उत्तम है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।